बीजेपी एक बड़ी खबर। रांची से अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर। पांच दोषियों का जीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। जमीन विवाद में हुई थी हत्या। राम पहन, शिव कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू और सतीश मुंडा को इस मामले में सजा मिली है। दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए हैं। 9 दिसंबर 2019 को हुई थी अधिवक्ता राम प्रवेश की हत्या। तो देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि जमीन विवाद में जो हत्या हुई थी उस मामले में अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। राम पाहन, शिवम कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू और सतीश मुंडा को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर। हालांकि दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी भी किए गए हैं। ये भी बड़ी जानकारी कि साक्ष्य के अभाव में जो बरी हुए हैं लोग। 9 दिसंबर 2019 को अधिवक्ता राम प्रवेश की हत्या हुई थी और इस मामले में अब बड़ा अपडेट ये, अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट ये कि पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनाई है उन पांच दोषियों को। जमीन विवाद में हत्या हुई थी अधिवक्ता की और उसी मामले में अब पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि दो जो आरोपी हैं उन्हें रिहा किया गया है साक्ष्य के अभाव में, सबूतों के अभाव में, लेकिन जो पांच दोषी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी रांची से। 9 दिसंबर 2019 का यह मामला है जिसमें एक अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी माना, दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और दीपक, हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, देखिए देर से सही, लेकिन इस मामले में अब न्याय होता नजर आया है और दोषियों को अदालत ने सजा भी सुना दी है। जी बिल्कुल पंकज, 9 दिसंबर 2019 को रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी और इस मामले में कुल सात आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, जिसमें से पांच आरोपी को अपर न्यायिक दिनेश कुमार की कोर्ट ने पिछले तिथि को दोषी पाया था, जिसमें से चार जो आरोपी थे वो जमानत पर थे, एक आरोपी है वो जो जेल में था। जैसे ही कोर्ट में दोषी पाया गया उनको हिरासत को लेकर जेल भेजा गया और आज सेंटेंस के बिंदु पर सुनवाई थी। तो कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो मामला 2019 में हुआ था, जो घटना घटी थी राम प्रवेश सिंह की निर्मम हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी और इसके बाद से ही जो रांची सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता है वो विरोध कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि इन मामले के जो भी आरोपी है उन्हें कड़ी सजा दी जाए। तो आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसका लोगों ने सम्मान किया है और तो खासतौर पर जो उनके परिजन है उनका भी कहना है कि जो कोर्ट लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है और अगर उस पर इस तरह के जानलेवा हमला होते हैं आए दिन जो तो ठीक, न्याय मिला है परिवार को, अधिवक्ता के परिजनों को न्याय मिला है। शुक्रिया आपका दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।